एक जमाना ऐसा भी था जब अभिनेता और अभिनेत्री फिल्मों में तो अभिनय करते ही थे, लेकिन अपनी फिल्मों के लिए नृत्य एवं गायन खुद ही किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में गायकों और नृत्य प्रशिक्षकों का प्रचलन बहुत ही कम हुआ करता था। इसी वजह से फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्री ही अपने बाकी के काम खुद ही कर लिया करते थे। ऐसी ही 80 और 90 के दशक की एक फिल्म अभिनेत्री और गायिका हैं सलमा आगा, जिन्होंने फिल्मों में तो अभिनय किया ही, लेकिन अपनी फिल्मों के लिए इन्होंने ज्यादातर खुद ही गाने गाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम सलमा आगा की फिल्मी कैरियर और उनके निजी जीवन के बारे में आप सभी दर्शकों को विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने आस्था फिल्म्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। खूबसूरत और सुरीली आवाज की मलिका सलमा आगा का जन्म सन 1956 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था, लेकिन इनका बचपन ज्यादातर भारत में ही गुजरा और इनकी नागरिकता एक ब्रिटिश नागरिक की है। सलमा आगा के पिताजी का नाम लियाकत गुल आगा है और माता का नाम नसरीन आगा। इनके माता पिता अमृतसर पंजाब के एक उर्दू भाषी पठान परिवार से थे। वैसे तो इनके पिताजी लियाकत गुल आगा ईरान मुल्क के एक व्यापारी थे, लेकिन शादी के बाद ज्यादातर लियाकत गुल अपनी पत्नी नसरीन के साथ अमृतसर पंजाब में ही रहकर अपने कारोबार को संभालते थे। व्यापार में लियाकत गुल कीमती पत्थरों, कालीनों और पुरानी वस्तुओं के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का व्यापार किया करते थे, इसलिए उनका आना जाना ईरान मुल्क से इंग्लैंड, पाकिस्तान और भारत में लगा रहता था। लेकिन उनका व्यापार इंग्लैंड में सबसे ज्यादा चलने लगा, जिसके कारण लियाकत गुल आगा इंग्लैंड में ही कई वर्षों तक रहने लगे। बाद में सलमा आगा भी भारत और पाकिस्तान में अपने बचपन का कुछ समय बिताकर 9 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी के पास इंग्लैंड आ गईं और अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई वहीं से शुरू की। आपको एक बात ये भी बता दें कि सलमा आगा की दो पीढ़ियां बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। इनकी माँ नसरीन आगा, जिनका वास्तविक नाम जरीना गजनबी था, और वो अपने दौर की एक मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी। फिल्मों में अभिनय करने के दौरान ही उन्हें नसरीन नाम मिला था। उन्होंने वर्ष 1946 में प्रदर्शित बहुचर्चित हिंदी फिल्म शाहजहान में मुमताज की भूमिका निभाई थी। नसरीन की माँ यानी कि सलमा आगा की दादी अनवरी बाई बेगम भी शुरुआती हिंदी फिल्मों की एक मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी, और उन्होंने सन 1932 में प्रदर्शित एक हिंदी फिल्म हीर रांझा में हीर का किरदार निभाया था। तो हमें इन सारी बातों से ये जानकारी मिलती है कि सलमा आगा की दो पीढ़ियां पहले से ही हिंदी फिल्मों से जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करेंगे सलमा आगा की फिल्मों में प्रवेश के बारे में। वैसे तो आमतौर पर सलमा आगा पेशे से एक गायिका ही बनना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी आवाज में जो मधुरता है वो गायकी के लिए जरूरी है। लेकिन ये तो सलमा ने भी कभी नहीं सोचा था कि अगर अल्लाह से सच्चे मन से प्रीत की जाए तो वो आपकी हर मुराद पूरी करता है। दरअसल सन 1980 की बात है, जब ऋषि कपूर की शादी नीतू सिंह के साथ हो रही थी, तो वहाँ सलमा आगा भी अपने वालिदा के साथ शादी में आई हुई थी। ये शादी जाने माने फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर की थी। इस शादी में बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर आए हुए थे। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर की शादी में आना सलमा आगा की जिंदगी के लिए बहुत ही खुशनसीब साबित हुआ, क्योंकि उस शादी में जाने माने फिल्मकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा भी आए हुए थे। उन्होंने वहाँ सलमा को देखा और सलमा को अपने पास बुलाया। कुछ समय तक दोनों के बीच में बातचीत हुई और बातचीत के दौरान ही बी.आर. चोपड़ा ने सलमा आगा को अपनी आने वाली फिल्म निकाह के लिए बतौर अभिनेत्री चुन लिया। ये फिल्म एक बहुत ही संवेदनशील कहानी पर आधारित है, जिसमें सलमा आगा को एक व्यक्ति के साथ शादी हो जाने के बाद तलाक दिखाया जाता है। आपको एक बात ये भी बता दें कि निकाह फिल्म का नाम बी.आर. चोपड़ा ने पहले तलाक 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 रखा था, लेकिन एक दिन बी.आर. चोपड़ा के एक दोस्त फिल्म के सेट पर पहुंचे और बी.आर. चोपड़ा से पूछने लगे कि आपने अपनी फिल्म का नाम क्या रखा है, तो बी.आर. चोपड़ा ने अपनी फिल्म का नाम तलाक 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 बता दिया। इस बात पर वो कहने लगे कि आपने इस फिल्म का तो ये नाम रख दिया है,
लेकिन क्या आपने कभी आगे के बारे में भी सोचा है? तो बीआर चोपड़ा साहब बोले, वो कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति सिनेमा हॉल से ये फिल्म देखकर घर जाता है तो उसकी पत्नी इत्तेफाक से उससे पूछ ले कि कौन सी फिल्म देखकर आए हो, तो वो क्या जवाब देगा। बीआर चोपड़ा उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक गए, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अनुसार अपनी बीवी से 3 बार तलाक बोल देना धर्म के हिसाब से पूरी तरह से तलाक माना जाता है। इसलिए बीआर चोपड़ा ने उसकी यह बात सुनकर अपनी फिल्म का नाम तलाक 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 न रखकर बाद में निकाह रख दिया और फिर उन्होंने फिल्म को रिलीज किया। निकाह फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म साबित हुई। उस दौर में इस फिल्म की हृदय स्पर्शी कहानी को लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म के एक गाना दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, जो कि फिल्म की अभिनेत्री सलमा आगा ने ही अपनी आवाज में गाया था। इस गाने के लिए सलमा आगा को उस समय बेस्ट प्लेबैक सिंगर और इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया था। अब तो सलमा आगा बॉलीवुड में एक अभिनेत्री और गायिका पर अपनी अमिट पहचान बना चुकी थी। आपको एक बात यह भी बता दें कि उस दौर में सलमा आगा की आवाज की तुलना पाकिस्तानी गायिका नूरजहान से की जाने लगी थी। सलमा आगा अपनी आवाज के साथ साथ उस दौर में हुस्न की मलिका भी कही जाती थी। इस फिल्म में अभिनय करने के बाद सलमा आगा के सामने फिल्मों की तो झड़ी ही लग गई थी और सलमा आगा को हर एक बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। वर्ष 1984 में एक सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के साथ सलमा आगा की एक बॉलीवुड फिल्म आई, कसम पैदा करने वाले की। इस फिल्म में सलमा आगा अभिनेत्री तो थी ही, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक पार्श्व गायिका का काम भी किया था। इस फिल्म में खूबसूरत अभिनेत्री सलमा आगा को अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ दर्शकों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। इस फिल्म के अधिकतर गाने सलमा आगा ने अपनी ही आवाज में गाए थे और इस फिल्म का एक गाना जीना है क्या अभी जीना उस दौर में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म के बाद सन 1985 में सलमा आगा की बॉलीवुड में 2 फिल्में आईं, ऊंचे लोग जिसमें सलमा आगा सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अभिनय करती हुई नजर आई थी और फिल्म सलमा में अभिनेता राज बब्बर के साथ भी सलमा आगा अभिनय करती हुई नजर आई थी। उसके बाद सन 1990 में फिर एक बार सलमा आगा मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म पति पत्नी और तवायफ में नजर आईं। ये फिल्म सलमा आगा की फिल्मी करियर की बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म की कहानी फिल्म के हीरो विजय यानी मिथुन चक्रवर्ती और तवायफ गौरी के चारों ओर घूमती है। मिथुन चक्रवर्ती को गौरी से बेइंतहा प्यार हो जाता है। इन सब केमिस्ट्री को ही पर्दे पर एक अलग अंदाज में प्रदर्शित किया गया। इस फिल्म में भी सलमा आगा ने अपनी पहली फिल्मों की तरह ही फिल्मों में गाने गाए थे। सलमा आगा ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता राजकुमार, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म महावीर में अभिनय किया था। सलमा आगा ने और बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे जंगल की बेटी, 5 फौलादी, कन्वरलाल, मीत मेरे मन के और गहरा राज जैसी बॉलीवुड फिल्में शामिल हैं। बॉलीवुड फिल्मों के अलावा सलमा आगा ने पाकिस्तानी फिल्मों में अभिनय किया है। सन 1985 की फिल्म हम और तुम में पाकिस्तानी अभिनेता जावेद शेख के साथ सलमा आगा फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई थी, लेकिन सलमा आगा की ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और एक एवरेज फिल्म साबित हुई। उसके बाद सन 1986 में एक बार फिर सलमा आगा की एक पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हुई, भाभी दिया चुरिया। इस फिल्म का एक गाना मुंडा चुमदा बलौरी बांगा, जो कि उस दौर में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। मुंडा चुमदा बलौरी बांगा, गोरी चिट्टी बांग उठदा सोना, सोना। सलमा आगा ने लगभग 20 पाकिस्तानी फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें इनके ज्यादातर हीरो जावेद शेख ही हैं। अगर हम इनकी निजी जिंदगी की ओर पलट कर देखें तो हमें पता चलता है कि सलमा आगा की निजी जिंदगी भी उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म निकाह के जैसे ही दर्द भरी कहानी से भरी पड़ी है। पाकिस्तानी फिल्मों में ज्यादातर सलमा आगा ने जावेद शेख के साथ काम किया है। एक साथ बहुत सारी फिल्मों में काम करने के दौरान ही इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और इन्होंने अपने प्यार का इजहार कर बाद में शादी भी कर ली, लेकिन ये शादी कुछ ही समय तक चली। उसके बाद सलमा आगा ने सन 1989 में पाकिस्तानी स्क्वायर प्लेयर रहमत खान से शादी कर ली।
लेकिन ये शादी कुछ वर्षों तक ही कायम रही और वर्ष 2010 में रहमत खान से भी सलमा आगा का तलाक हो गया। उसके बाद सलमा आगा ने अपने टूटे दिल को संभालने के लिए दुबई के एक बिजनेसमैन मंजर शाह से अपनी तीसरी शादी की, जो कि अभी तक कायम है। आपको एक बात ये भी बता दें कि सलमा आगा के दूसरे पति रहमत खान से इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम साशा आगा है और बेटे का नाम लियाकत अली खान है। सलमा आगा की बेटी साशा आगा बॉलीवुड में अपने कदम फिल्म औरंगजेब से रख चुकी हैं, जो कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले 2013 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी सलमा आगा के ऊपर एक छोटी सी प्रस्तुति। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। शुक्रिया।